जिस प्रकार से कि सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है और शीतलहर का भी प्रकोप है, तो बेघर बेसहाय लोगों के लिए नगर निगम लगातार इसमें अपने सेवाएं देने का पूरा प्रयास कर रहा है कि जितने भी हमारे बेघर लोग जो इधर उधर से आते हैं और ठंड में ठिठुरते रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों की ऋषिकेश नगर निगम के द्वारा पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है, जिसके कि हमने कुछ दिन पूर्व सैन सफाई करवाई थी और उसमें तगत वगैरह सारे लगाए थे, लेकिन जो उसमें बिस्तर लगे हुए थे, रजाई गद्दे पूरे खराब हो गए थे, काफ़ी पुराने हो गए थे। मैं आभार व्यक्त करूंगी रोटरी क्लब ऋषिकेश का, उनके सम्मानित अध्यक्ष जो रोटरी क्लब ऋषिकेश के सम्मानित अध्यक्ष हैं भाई नितिन गुप्ता जी, उनसे मैं मिली और मिलके उनसे आग्रह करा कि जो भी बेघर बेसहाय लोग आते हैं जो इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं ठिठुरते रहते हैं ठंड में, तो उनके लिए रजाई का इंतजाम आपके क्लब की तरफ से हो जाए। तो उन्होंने तत्काल, मेरे मुंह से शब्द छूटने की देर थी और उतनी देर में उन्होंने तत्काल इसमें हामी भरी और आज उन्होंने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर रजाइयाँ वितरित करी। उसके लिए मैं नगर निगम की ओर से अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि नगर निगम पे इतना फंड होता नहीं है और हम भी दानदाताओं से मांग के समाज की सेवा करते हैं। तो आज यहाँ पे जो लोग यहाँ पे कुछ रैन बसेरा में बैठे हुए थे उनके लिए रजाइयाँ दी, कुछ हमने अपने भंडारण में स्टोर कर दी हैं। जो भी हमको यहाँ पे दिखते हैं इधर उधर जो सड़कों पे बैठे हुए लोग, उनको रैन बसेरों में लाया जाएगा, ये हमारे नगर निगम के कर्मचारियों की पूरी जिम्मेदारी रहेगी और अधिकारी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं पे भी अलावा विधिवत ढंग से जलते रहें, रैन बसेरों की व्यवस्था हमारी पूरी चाक चौबंद रहे, इसके लिए पूरी तरह से हमारे अधिकारी अपनी देख रेख कर रहे हैं, जिसकी कि समय समय पर मैं स्वयं भी निरीक्षण करती रहती हूँ।